दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने इलेक्ट्रिक साइकिल बनाया था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सोलर से चलने वाला इलेक्ट्रिक साइकिल बनाइए, तो आपका डिमांड हो और हम लोग पूरा नहीं करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया जन सोलर कंपनी का सोलर पैनल 200 वाट का जन सोलर कंपनी के वेबसाइट से और 4 दिन के अंदर ही हमारे घर पर आ गया ये सोलर पैनल। दोस्तों, हमारे यहाँ जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो हम लोग बहुत ही प्यार से उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे भाई, ये क्या ला दिया? ये क्या हो रहा है? बंद करो, मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये सोलर पैनल 20.6 वोल्ट और 9.72 एम्पियर प्रोड्यूस करेगा। जन सोलर कंपनी का ये सोलर पैनल, और इसमें देख सकते हैं ये कैसे कैसे इसका परफॉर्मेंस रहता है। ये यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो भी गाइड वगैरह मिलता है ना, वो सारा चीज है। जन सोलर कंपनी का सोलर पैनल मैंने इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि ये हमें कैंपर में सेट करना है, इसीलिए हमें ट्रस्टेड और पावरफुल सोलर पैनल की जरूरत थी। तो इसीलिए मैंने जल्द सोलर कंपनी का सोलर पैनल खरीद लिया। और हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल 250 वाट से चलता है, इसलिए मैं 200 वाट का सोलर पैनल खरीद लिया हूं और 50 वाट सोलर पैनल मेरे पास पहले से ही है। यहां पर देख सकते हैं मैंने ढांचा तैयार कर लिया है और इस पर देख सकते हैं रामू किस तरह से इस पर आसानी से चढ़ के चल जा रहा है। ये आसानी से इसका बैक होल्ड कर ले रहा है, जबकि हमारा ये सोलर पैनल 15 kg का है और 5 kg का 50 वाट वाला सोलर पैनल, यानी कि 20 किलो का सोलर पैनल है। आसानी से हम लोग इसे होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसे फिक्स करते हैं इस फ्रेम पर, सोलर पैनल को। यहां पर देख सकते हैं फिक्स हो चुका है और ये बहुत ही मस्त तरीके से दिख रहा है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका कनेक्शन हम लोग किस तरह किए हैं। इसमें मैंने ये सॉकर लगा दिया है ताकि सोलर पैनल जंप नहीं करे रोड पर, एकदम से आसानी से चले और कहीं भी जर्क नहीं आए सोलर पर। और हमारा ये जो इसमें जो बैटरी मैंने लगाया है वो चार्ज होता है मात्र 60 वाट से, लेकिन हमारा सोलर पैनल 250 वाट दे रहा है दोनों मिल करके। और हम लोग इस तरह से, और 250 वाट का मोटर भी है, तो यानी कि हम लोग दिन में जितना देर चलाएंगे उतना देर ये चार्ज करते रहेगा। अगर बाय द वे बादल लग जा रहा है तो हम लोग पैडल का भी यूज कर सकते हैं और बैटरी चार्ज रहेगा तो बैटरी से भी हम लोग चला सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग हमें बहुत ज़्यादा हजारों हजार किलोमीटर जाना हो तब भी हम लोग आसानी से इसे जा सकते हैं और कैंपिंग भी कर सकते हैं। इसका डिजाइन मैंने ऐसे किया है जिससे ये कैंपर की तरह बन गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे मैं सामान रख सकता हूँ इस बैग में, और भी बहुत सारा सामान का जगह बनाया जा सकता है। और ये सोलर पैनल ऊपर से ये सोलर पैनल लगा हुआ है और इसका फ्रेम मैंने इस तरह से बनाया है जिससे इस पर मैं चढ़ के बैठ भी सकता हूँ तब भी ये खराब नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर बैठ भी जा रहा हूँ, देख सकते हैं ये आसानी से यहाँ पर मैं बैठ भी जा रहा हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा है। सोलर पैनल पर भी, सोलर पैनल भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये जन सोलर कंपनी का सोलर पैनल है, मैंने शुरू में ही बताया। और सबसे खास बात एक और है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सोलर पैनल खरीदना चाहते हैं, अगर आपको घर में लगाना है या कोई भी चीज़ में यूज करना है, तो आप हैकर ओम कूपन कोड का यूज कर सकते हैं जिससे 12% का ऑफ मिल जाता है। मैं अपना कूपन कोड खुद ही यूज करता हूं जिससे मुझे 12% ऑफ मिल जाता है। दोस्तों, यहां पर हम लोग सोलर पैनल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सोलर पैनल इसलिए बिना पॉल्यूशन फैलाए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे बिजनेस में एनर्जी का जरूरत होता है और एनर्जी अगर फ्री हो गया तो बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट। यहां पर देख सकते हैं ये फुल चार्ज बता रहा है, क्योंकि सोलर पैनल जुटा हुआ है तो ये फुल चार्ज से एक भी चार्ज कम नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं बादल भी लगा हुआ है, इसमें से इतना एनफ एनर्जी निकल रहा है जिससे ये फुल चार्ज बता रहा है। चलिए अब चलाते हैं। यहाँ पर मैं पैडल का यूज नहीं कर रहा हूँ और देख सकते हैं ये कितना मस्त चल रहा है, थोड़ा सा भी साउंड नहीं आ रहा है। सबसे खास बात ये है कि ये साइकिल है तो ये आसानी से पतले जगह में निकल सकता है। यहाँ पर मैं देखिए ये साइकिल में अलग लेके जा सकता हूँ और देख सकते हैं ये बिल्कुल एक स्टेप में ये बाहर हो गया। अब इस तरह से ये हमारा सोलर पैनल अलग हो गया, इसको लगा करके कहीं जाना है तो साइकिल से मैं कहीं जा सकता हूँ। और अगर हमें फिर से इसे चार्ज करना है या चार्ज करते हुए चलना है तो मैं इसे आसानी से अटैच कर सकता हूँ। यहाँ से उठाना है, ये आ गया, हो गया। यार, चलाते चलाते मैं थक गया हूँ, इसीलिए एक पेड़ के नीचे मैं सो चुका हूँ। और ये इतना ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर है कि ये टूट नहीं सकता है, बस पलटेगा तो गिरेंगे नीचे।
वाह क्या सीन है। और ये पेड़ का जो छांव है, इतना ज्यादा ठंडा हवा यहाँ चल रहा है दिन में इतने कड़े धूप में भी कि मजा आ जा रहा है। दोस्तों जब भी सोलर पैनल साइकिल में लगाया जाता है तो उसका डिजाइन सुंदर नहीं होता है, कोई पीठ में लगा के चलाता है, कोई किसी तरह से चलाता है, सुंदर नहीं आता है, इसी वजह से बहुत सारे लोग यूज भी नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पर पूरा पूरा प्रयास किया है कि इसका सुंदर डिजाइन बन जाए और यूजफुल बन जाए। तो अब बात ये है कि लोग के पास ये जाएगा तो इसे पसंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग लेने वाले हैं लोगों का रिएक्शन। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये डिजाइन कैसा है और किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए चलते हैं। इसका डिजाइन मैंने इतना मजबूत बनाया है कि अगर कुछ सामान भी लाद करके लेके आना हो तो हम लोग आसानी से लेके आ सकते हैं सोलर पैनल पर रख करके। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, मजा आ रहा है। बात तो सही है, हालांकि ये जब सोया हुआ है तो ये चार्ज नहीं हो रहा होगा। 25 किलोमीटर तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं और सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसका प्राइस क्या होगा, यानी कि खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। इतनी खुशी मुझे ये साइकिल बा न अनलिमिटेड रेंज बा, कहीं भी जा सकत। हां ये की टू बा, हां चार्ज करी, हां ये चार्ज करी, मतलब सोलर लगाए का मकसद ये बा कि कहीं भी जा सकत, कितना भी दूर जा सकत। हां हद लगाया कोई, हद लगाया ऊपर ना, मतलब एक एक से चल जाई, हे से चल जाई। हम बैठी के साइकिल पर अपन ना बैठ एक जाई, तू भी आदमी बैठ सकत है पर है पर आ एक आदमी पर सुती रह सकत का दिक्कत बा। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमने सोलर पैनल लगा दिया है तो इसका स्पीड जो है वो 22 का स्पीड दे रहा है, और मैं चाहूँ तो इसमें पैडल भी मार सकता हूँ और एक्सेलरेटर लेते हुए भी, तो ये और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। देखते हैं कितना तक जाता है। ओके, एक्सेलरेटर के साथ हमने जब पैडल मारना शुरू कर दिया तो ये 30 का स्पीड दे रहा है और ये काफ़ी फास्ट चल रहा है। दोस्तों ये कैंपिंग के लिए बहुत ही मस्त है, इसे हम लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जा सकते हैं और कहीं भी ठहर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। बाकी आपको ये कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।